विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म को लेकर जोरों शोरों से प्रमोशन जारी है। प्रमोशन इवेंट के दौरान कई बॉलीवुड हस्ती नजर आए, साथ ही अभिषेक बच्चन भी अगस्त्य नंदा के साथ स्क्रीनिंग इवेंट में नजर आए। मामा भांजे की ये जोड़ी देख फैंस काफी इम्प्रेस हो गए और सोशल मीडिया पे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। वो अपनी व्हाइट टी शर्ट, बेज सूट और व्हाइट स्नीकर्स में हमेशा की तरह डैशिंग लग रहे थे। उन्हें ब्लैक चश्मे के साथ अपने नए हेयर स्टाइल में देखा गया था। वहीं दूसरी ओर अगस्त्य नंदा ने ग्रे टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक जैकेट कैरी की थी, जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। दोनों को इवेंट में एक साथ पोज देते देखा गया। जैसे ही इंटरनेट पर फोटोज आई वो वायरल हो गई। फोटोज पर कमेंट्स की बौछार हो गई। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, हे ही रिसेम्बल्स हिज मामू मोर देन हिज पेरेंट्स। तो वहीं एक फैन ने लिखा, ही लुक सो मच लाइक अभिषेक, दे लुक मोर लाइक ब्रोस देन अंकल एंड नेफ्यू। तो वहीं एक फैन लिखता है, अगस्त्य अपने मामा अभिषेक की कार्बन कॉपी की तरह दिखते हैं। बता दें कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता शेयर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त्य अपने मामा के नक्शे कदम पर चलने और एक्टिंग में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म द आर्चीज में बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर भी डेब्यू कर रही हैं। ये 7 दिसंबर 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। अभिषेक बच्चन की फिल्म की अगर बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म घूमर 12 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों से मिले जुले रिएक्शंस मिले थे। घूमर एक दिव्यांग एथलीट की सच्चे जीवन की कहानी पर बेस्ड है, जिसके हाथ में गंभीर चोट लग जाती है और उसने 2 ओलंपिक मेडल जीते थे। बाल्की ने इस राहुल सेन गुप्ता वीरमानी ने के साथ मिलकर लिखा है और ये फिल्म सहानुभूति पर आधारित है।